स्वागत है समाचारों में आगे। चीनी यात्री वेन सांग की यात्रा वृतांत। प्राचीन भारत के इतिहास, धर्म और संस्कृति को जानने समझने का प्रामाणिक स्रोत है। आइए देखते हैं चीनी यात्री के दुर्लभ यात्रा वृतांत पर आधारित यह रिपोर्ट। 12 वर्ष की उम्र में श्रामनेर हुए, 20 वर्ष की उम्र में बौद्ध भिक्षु बन गए। बुद्ध की धरती चीन वासियों के लिए ज्ञान की धरती थी। बुद्ध के धर्म दर्शन को जानने के लिए वेन सांग 7वीं सदी में भारत की यात्रा पर निकल पड़े। चीन से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत सहित नेपाल और बांग्लादेश की उनकी यात्रा दिल दहला देने वाली थी। इनमें चीन से लगे प्राचीन सिल्क रूट पर सेंट्रल एशिया, ग्रीक और पर्शियन साम्राज्य के 34 साम्राज्यों की सीमाओं को पार कर भारत पहुंचना वेन सांग के उपक्रम में शामिल था। 16,000 किलोमीटर से भी अधिक और 17 वर्षों तक लगातार यात्रा में कठिन मरुस्थल सहित जान जोखिम में डालने वाली पहाड़ियां, गलियारों और मौसम की मार सहते हुए भारत पहुंचना वेन सांग की अद्भुत दिलेरी की कहानी है। नालंदा स्थित वेन सांग के स्मृति भवन में आने वाले पर्यटक भी मानते हैं कि भारत के बारे में प्रमाणिक जानकारियां वेन सांग की पांडुलिपियों से ही उपलब्ध होती हैं। जब नालंदा आए तो नालंदा का उन्होंने उस पीरियड में अध्ययन किया और इसके बाद इसके बारे में बहुत सारी पांडुलिपियां लिख के अपने यहाँ ले गए और जो भारत के लिए उस समय भारतीय इतिहास के संदर्भ में बहुत सारी बातें उसमें थी और पूरे इतिहास का विवरण आज जो भारत में हमको मदद मिलती है वह वेन सांग के पांडुलिपियों से भी मिलती है। वेन सांग की चीन से भारत की यात्रा उनके साहस के साथ ज्ञान की जिज्ञासा का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसी तरह भारत से चीन लौटना भी उनके लिए कठिन और जान जोखिम में डालने वाला था। कहते हैं कि वेन सांग बुद्ध के धर्म दर्शन पर आधारित पाली और संस्कृत की 600 से अधिक किताबें अपने साथ ले गए। उन किताबों को ले जाने के दौरान उन्हें अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर्यटक भी भारतीय संस्कृति को सुदूरवर्ती देशों में ले जाने का श्रेय वेन सांग को देते हैं। यहाँ आके मैंने अपने खुद से देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे, कैसे किसी को इतना इंटरेस्ट हो सकता है। उन्होंने आए यहाँ पढ़े, इसके बारे में सीखा, उसके बाद उसे ट्रांसलेट किया अपने लैंग्वेज में और अपने अपने कंट्री ले गए, वहाँ इसे बताए अपने लोगों को। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अपने देश की संस्कृति, अपने देश का इतिहास बाहर के लोग भी काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। चीन लौटकर वेन सांग ने अपने साथ ले गए बुद्ध के धर्म दर्शन की किताबों को 19 वर्षों तक अथक परिश्रम कर चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीनी भाषा में अनुदित पुस्तकों का संग्रह वेन सांग स्मृति भवन में संरक्षित है। पर्यटक भी मानते हैं कि उनकी अनुदित साहित्य इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है। वेन सांग को तो अभी तक किताबों में पढ़ा था कि वो भारत आए थे और बुद्धिज्म के बारे में और देश के बारे में तमाम चीज लिखे थे, लेकिन आज यहाँ आके पहला तो ये समझ में आया कि पीठ पे ऐसा चित्र देखते थे, फिगर तो समझ में नहीं आ रहा, आज समझ में आया कि ये तो किताब लाद के ढो रहे हैं। और जो ये पिट्ठू पे लादने का, किताब लादने का ऐसा कल्चर आज की तारीख में लैपटॉप लेके लोग जरूर घूमते हैं, उसमें ज्ञान का खजाना है, तो उस समय के ज्ञान का खजाना किताब थी। और यहाँ आके देखा उनका तमाम किताबें चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट करके यहाँ रखी है, ये सब संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस ग्रंथ है, इस पर इतिहास लिखने में बड़ा मदद मिलेगा। भारत चीन मैत्री सिद्धांत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के संयुक्त प्रयासों से नालंदा स्थित वेन सांग स्मृति भवन का शिलान्यास 1957 में हुआ। नव महाविहार नालंदा के तत्कालीन निदेशक भीखू जगदीश कश्यप की वेन सांग स्मृति भवन के शिलान्यास से लेकर मूर्त रूप देने तक महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्मृति भवन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन संरक्षित है। यहाँ आने वाले पर्यटक वेन सांग के योगदानों को भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में नमन करते हैं। उन्होंने जो लिखा उसके आधार पर भारतीय संस्कृति की, खासकर बौद्ध संस्कृति की के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। हम सब जानते हैं कि इन्हीं की पांडुलिपियों के आधार पर नालंदा की खुदाई हुई थी और तब हमें विश्वविद्यालय का पता चला था। पूरी दुनिया को आज जो कोई भारत की संस्कृति के बारे में जानता है, इन दो तीन चीनी यात्रियों के बारे में हम सब उनको बिल्कुल, उनके प्रति हम सबको नतमस्तक होना चाहिए कि इन्होंने हमें
इस स्थिति में पहुंचाया कि हम सब इतने गौरवान्वित हो सके अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर। वेनसांग की यात्रा वृतांत से ही भारत के लोगों को पता चला कि संस्कृत व्याकरण के जनक और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि का जन्म पाकिस्तान के गंधार प्रांत के सलातुरा गांव में हुआ था। वेनसांग की यात्रा वृतांत के आधार पर ही ब्रिटिश राज के पुरातत्वविद सर कनिंघम नालंदा महाविहार और बोधगया सहित कई प्रसिद्ध बुद्ध स्थलों के भग्नावशेष को चिन्हित कर खुदाई कराई थी। नालंदा से अजय कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।